हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है कुमारी रीमा की रसोई में। आज मैं आलू की टिक्की बना रही हूं, जिसमें चार आलू लगेंगे, बादाम लगेंगे, ये मैंने मुरमुरा लिए हैं, इसको मैं ग्राइंड करूंगी। आलू जो आप देख सकते हैं रिफाइंड है, एक चम्मच के लगभग मैं रिफाइंड से इसको भूनूंगी। बादाम को देख सकते हैं, ये तीन से चार के लगभग चम्मच है बेसन ली हूँ। अब मैं सबको पैन गर्म करूँगी, पहले गैस ऑन करके, जो आप देख सकते हैं गैस में जला ली। अब पैन गर्म करूँगी, आप देख सकते हैं पैन गर्म हो चुका है। मैं इसमें एक चम्मच के लगभग पैन डालूँगी, देख सकते हैं एक चम्मच मैंने पैन डाल दिया। मूँगफली को रोस्ट करूँगी एक चम्मच से, अगर इसमें मुरमुरे को भी ऐसा कुछ हो जाएगा, ग्राइंड करने में सुविधा होगी। इसे धीमे धीमे पर प्रोसेस करें, ठंडा करूँगी और ग्राइंड करूँगी। मुरमुरे और बादाम को मैंने रोस्ट कर लिए, अभी हल्का ठंडा हो चुका है, मैं इसे अब ग्राइंड कर लूँ, कर लेना है इसे। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ग्राइंड कर, बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी ग्राइंड करें। आलू को मैंने मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें जो ग्राइंड की हुई थी देख सकते हैं, इसको मैं इसमें डाल लूँ, डालना डाल करके इसको अच्छे से आप डालें, ठीक है। और इसमें मैं सारे मसाले भी डालूँगी, आप देख सकते हैं इधर सारे मसाले मैंने रखे हैं, इसकी जितनी मात्रा होनी चाहिए उतना मैंने रखा है। चार चम्मच के लगभग मैं बेसन डाल दूँगी, आधी चम्मच के लगभग मिर्च है, नमक स्पून के लगभग है, खाने वाले स्पून से मैंने आधी चम्मच के लगभग लिए थे, देख सकते हैं। ये है चाट मसाला एक स्पून के लगभग, है ना, अमचूर पाउडर, ये सब चीज़ों को डालने से टेस्ट और अधिक बढ़ जाता है, देख सकते हैं। सबको मैं मिक्स कर लूँगा अच्छे से, आप स्पून की सहायता से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ से मिक्स करने पे और ज़्यादा टेस्ट। मैंने आधे चम्मच के लगभग ये पानी जो बादाम और मुरमुरा मैंने पीसा था ग्राइंड किया था उसी में का पानी मैंने थोड़ा सा डाल दिए थे, जिसको ऐसे कर ले, उसको मिक्स सबको मैंने कर लिया। आप भी इसी तरह अच्छे से मिक्स कर डालें। तो मैं इसको छोटी छोटी पेड़े की तरफ लूँगी, उसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसी तरह मिक्स करें, अब जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं, ये टिक्की है इसलिए इसको मैं अब बड़ा साइज चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, कि इसी तरह आप भी बनाएं। चाहे तो धनिया के पत्ते डाल सकते हैं इसमें, ऐसे ही छोटी छोटी सी टिक्की बनाए, आप देख सकते हैं मैंने सारे टिक्की बना लिए हैं। और मैंने घर गैस भी ऑन कर लिए हैं, पैन गर्म कर रही हूँ, पैन हल्का गर्म हो चुका है, इसमें हल्की सी रिफाइंड, इसमें अधिक तेल सरसों तेल से भी आप बना सकते हैं या रिफाइंड से भी बना सकते हैं। एक चम्मच के लगभग छोटी चम्मच से मैंने खाने वाली चम्मच का यूज किया है, इसमें मैं एक एक करके टिक्कियों को डालूँगी, आप देख सकते हैं रिफाइंड तेल गर्म हो चुके हैं। इसी तरह आप भी डालें सावधानी से,
इसको धीमी एंड लो फ्लेम पे से सीखने थे अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई करने थे। बहुत ही कम तेल से बनने वाली ये रेसिपी ब्रेकफास्ट है, आप लोग भी प्लीज इसे बनाए देख सकते हैं। नॉन स्टिक बर्तन बनाने तो बर्तन में अधिक ऐसे भी ये चिपकती नहीं, नॉर्मल भी पैन में आप बना सकते हैं, कढ़ाई में चिपकती नहीं है ये। मैं मूँगफली को भून करके डाला है जिससे बहुत ही अच्छी है सौंधी सौंधी स्वाद इसकी अच्छी आएगी, देख सकते हैं। मैंने सारे टिक्कियों को मैं डाल चुकी हूँ इसमें, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं इस तरह से पक चुके हैं। आप इसी तरह एक एक करके पलट लें और दोनों तरफ से अच्छे से इसको मात्र दो से तीन स्पून के लगभग छोटी वाली स्पून से पैन में ही ये अच्छे से बन जाती है। और इतनी यकीन मानिए इतनी क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ते हैं कि आप इसे तो चाय कॉफ़ी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं इसे। चलिए पक जा रहे हैं तो इसे सर्व करके आप लोग को खिलाती हूँ, सकते हैं दोनों तरफ से अच्छे से सीख चुके हैं। तो मैं इन्हें प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी, देख सकते हैं गैस को ऑफ कर दे। आप भी प्लीज बनाएं और अपने परिवार के साथ इंजॉय करें, आप इसे सफ़र में भी लेकर जा सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और आप इसे चाय के साथ चटनी के साथ सॉस के साथ भी खा सकते हैं, बारिश के मौसम में बहुत ही मज़े से आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी ये नाश्ता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घर पे रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।